तो दोस्तों शाहरुख खान वो पहले एक्टर बन चुके हैं जिन्होंने दो बैक टू बैक 1000 करोड़ की मूवी दी है, जहां एक तरफ उनकी फिल्म पठान ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं जवान ने अब तक 1117 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगले महीने उनका बर्थडे है और उनकी पूरी फैमिली इसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें डेथ थ्रेट्स आने लगे। कोई अननोन नंबर से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। बाद में पता चला कि इन डेथ थ्रेट्स के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में आया था और जिसने जेल में बंद होने के बावजूद भी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद जब इस खबर की इत्तला शाहरुख खान ने मुंबई पुलिस को दी तो पुलिस और सरकार ने उन्हें वाई प्लस की सिक्योरिटी दे दी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लगातार इंडियन सेलेब्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। शाहरुख खान से पहले सलमान खान, यो हनी सिंह को भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। जहां एक तरफ शाहरुख खान अपनी मूवीज की सफलता को सेलिब्रेट करना चाहते थे, वहीं इन धमकियों के आने के बाद उनका परिवार काफी ज्यादा डरा हुआ होगा। वहीं उनकी लेटेस्ट फिल्म जवान, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज, फुकरे 3 दोनों और कई साउथ फिल्मों की रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और इन नई फिल्मों को कांटे की टक्कर दे रही है। जवान ने अब तक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1117 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडिया में इस फिल्म ने अब तक 627 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसमें से हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म ने 567 करोड़ कमाए हैं। वहीं डब्ड भाषाओं में इंडिया से इस फिल्म ने 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब 16 अक्टूबर को टाइगर 3 का ट्रेलर आने वाला है, जो जवान के बज को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। हालांकि इस फिल्म में भी शाहरुख खान आपको नजर आने वाले हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।